इस धरा पर अगर हमारे लिए कोई कीमती धातु है तो वो क्या है? सोना है। हर व्यक्ति का सोने से लगाव है और सोना बहुत पवित्र धातु है। हर तन पर, हर शरीर पर सोना होना जरूर चाहिए। सोना आपको बीमारियों से बचाता है, सोना आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाता है, सोना आपको बहुत हीलिंग देता है। सोना पहना इसलिए ही सोना पहना जाता है। सोना आपके गुरु बल को बढ़ाता है, आपके प्रभाव को बढ़ाता है। सोना आपको औषधि की तरह भी ट्रीट करता है, लेकिन सोना कीमती है। तो जब हम कोई सोना बनाते हैं, मीन्स कोई आर्टिकल बनवाते हैं, तो हम लोग उसके पीछे बहुत मेहनत करते हैं। और मान लो वो खो जाए तो क्या होगा? तो हम बहुत दुख होते हैं, हमारी आत्मा रोती है। तो जो सोना खोया है, हमारे अंदर से नेगेटिव एनर्जी निकली है। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। हम विचलित हैं उसके लिए। वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो मूव कर रही है हमारे सराउंडिंग्स में, और हमें बार बार उस सोने का ध्यान आ रहा है, तो वो एनर्जी वहां जा रही है, टकरा रही है, वो टकरा रही है। जिसको भी वो सोना मिलेगा, सिर्फ सोना नहीं मिलेगा, आपकी नेगेटिव एनर्जी, जिसको आपकी भाषा में हाय कहते हैं, मिलेगी, तो वो उसके लिए फ्रूटफुल नहीं है। अब जब वो उसके लिए फ्रूटफुल नहीं है, तो मैं उसके पक्ष में चला जाता हूं। उसको मिला कैसा रहेगा? अच्छा नहीं रहेगा। जिसका गया कैसा रहेगा? अच्छा नहीं रहेगा। तो गया तो नुकसान हुआ बड़ा भारी, हम दुखी हुए, तो अच्छा कहां से हो गया? अब मिला तो जिसका मिला है बेचारा, वो दरिद्रता के साथ मिला है, तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए न सोना मिलना अच्छा, न अब मिल गया तब क्या करें। तो ऐसे में आप किसी अच्छी जगह पर उसका सदुपयोग करके दान कर दीजिए। किसी गरीब बिटिया की शादी में दे दीजिए, अंदर में दे दीजिए, किसी गरीब की एजुकेशन करवा दीजिए, किसी बच्चे की, नहीं तो उसको निकाल के भंडारा करवा दीजिए। मतलब जो आप नेक के कामों में कर सकते हैं, आप वो कर दीजिए। दिवाली आए, खूब सारे पटाखे खरीदो, बस्तियों में चले जाओ, उस क्या दिक्कत है? खुशियां बांटो, आपको मिला है उसको बांटो, तो वो जीवन का दर्शन महान कर देगा। तो उसको हमने सही जगह उपयोग कर लिया और वो हमारे लिए बेहतर हो जाता है। तो इसको समझना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है।